बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। मेरी कोशिश ये होती है जनाब, मैं जो अपनी डेली रूटीन लाइफ में कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत कम वक्त हूँ आपका, काइंडली चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितनी भी खवातीन, अगर आपका फर्नीचर गंदा है, आपके दरवाजे खिड़कियाँ गंदे हुए ना, तो आप मिनटों में चमका सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल नए जैसी लुक आएगी आपके फर्नीचर में। मैंने पूरा फर्नीचर साफ कर लिया था, बट एट द एंड मुझे लगा कि यार इसमें आपके साथ शेयर क्यों ना करूँ, इतना ईजी वे है तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो ट्रेलर मैंने आपको दिखा दिया, आप देख सकते हैं दरवाजे में बहुत वाजिया फर्क नजर आ रहा है, जो एरिया हमने साफ किया है, जो गंदा है, ठीक है? बहुत बहुत इजी वे है, आपने आपका काम मिनटों में होने वाला है, कहीं नहीं जाना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो जरूर पसंद आएगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर जरूर करना है, ओके? अच्छा, तो करना क्या है आपने, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने फर्नीचर के ऊपर को एक साफ कपड़े के साथ ना, आपने इसकी मट्टी जो है ना, वो आपने अलग से हटा देनी है, ड्राई फैब्रिक लेना है, ठीक है? हमारे यहाँ अमूमन हम क्या करते हैं, गंदा कपड़ा लेते हैं सफाई करने के लिए, तो आप प्लीज़ काइंडली साफ कपड़ा लीजिएगा, ओके? और उसके बाद हमने ये एक छोटा सा, आपको जो एक छोटी सी बॉटल नज़र आ रही है, इसमें मैंने क्या लिया है, एक कप आपने सिरका लेना है और हाफ कप आपने उसमें ऑलिव ऑयल डालना है, ठीक है? उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, और जिस भी बॉटल में, स्प्रे बॉटल में आपने डालना है, आप डाल दीजिए। और उसके बाद आपने इस तरह से सिंपल नॉर्मली आपने स्प्रे करना है, और उसके बाद ऊपर से आपने टिश्यू की हेल्प से जो है ना, टिप टिप करके आपने उतार देना है। कोशिश कीजिएगा, टिश्यू का इस्तेमाल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक तो आपके ऑयल को जज्ब नहीं करता, ठीक है? दूसरा, इसके साथ बहुत मज़े की लुक बहुत अच्छी आएगी, ठीक है, फैब्रिक की निस्बत। तो साफ सुथरा टिश्यू यूज़ कीजिएगा। आप देखिए, आप देख सकते हैं आपके सामने कैमरा, मैंने वहाँ से बिल्कुल हिलाया भी नहीं था कि एक जैसी लुक आपको सारी की सारी नजर आए। तो आप देखिएगा, ये सोफे की साइड में आपको दिखा रही हूँ, बहुत मज़े का साफ हो गया था माशाल्लाह से, और मैंने अपना सारा फर्नीचर इसी तरीके से साफ किया था। बहुत बहुत आसान तरीका है, आपने ज़रूर ये ट्राई करना है, और फिर आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, सम टाइम अगर किसी को ये लगता है कि ऑयल आपने लगाया तो वो आपके हाथ पे आएगा या वो मैसी करेगा आसपास किसी चीज़ को, तो बिल्कुल भी कोई मैसी लुक नहीं रहती, ठीक है? बहुत मज़े का साफ सुथरा हो जाता है फर्नीचर। फर्नीचर के साथ साथ मैंने फर्नीचर साफ कर लिया था बिल्कुल एंड में, मुझे लगा यार मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, डेढ़ सा मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए लिया है। जिसके बाद मैंने जो है अपना रूम का जो डोर है, दरवाज़ा है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से साफ किया था। सेम वे में आपने करना है, पहले डस्ट जो है वो आपने उतार लेनी है साफ फेब्रिक के साथ, फिर उसके बाद आपने इसी तरह से स्प्रे करना है, और सिंपली आपने टिश्यू लेना है और इसके ऊपर आप लगाते जाएंगे, और आप देख रहे हैं कि कितना वाजिया फर्क आपको नजर आ रहा है, ठीक है? बिल्कुल आपका फर्नीचर एकदम नया और चमकदार और बहुत मज़ेदार लगेगा। आपको खिड़कियों दरवाजों पे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया? और खास तौर पे जहाँ अगर आपका फर्नीचर ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर में है ना, तो ये वाली टोन जो है इसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप महीने में सिर्फ एक बार ये चीज़ कीजिए, आप यकीन कीजिए आपका पूरा महीना जो है ना बहुत सुकून से गुजरेगा, आपका फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ चमचमाते हुए रहेंगे। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंशाल्लाह जरूर आओगा। चल पड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जाने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए।